नमस्कार दोस्तों, अजूबा डिजिटल सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि स्पाइस मनी में एटीएम मशीन द्वारा हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हमें स्पाइस मनी जो हमारा एप्स है इसको हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये अभी लॉगिन हो रहा है तो हम इसको लॉगिन होने देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। दोस्तों अब हमें दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। स्पाइस मनी एटीएम वाले ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे दोस्तों फिर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों पहले हम अपना बैलेंस चेक करते हैं कि आखिर हमारे मोबाइल में आखिर हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बैलेंस चेक वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही बैलेंस चेक वाले पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हम अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक में रजिस्टर्ड हो वही मोबाइल, मतलब कोई भी अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। दोस्तों डालने के बाद दोस्तों हमें दोस्तों क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ रही है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इंटर जो अमाउंट जो बैलेंस है वो आखिर कैसे है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लीज यहाँ पे हमें यहाँ पे लिख दिया है, हम आपको दिखाई देते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या लिखा है। तो दोस्तों आप इस मशीन में दोस्तों देख सकते हैं कि इस मशीन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों प्लीज़ इंसल्ट, यहाँ पे बोला है दोस्तों कार्ड डालने के लिए, तो हम अपना कार्ड दोस्तों इसमें हम अपना कार्ड डाल देते हैं। जैसे दोस्तों हम अपना कार्ड डालते हैं दोस्तों कुछ हम अब यहाँ पे कार्ड डालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि प्लीज़ इंटर पिन। दोस्तों अपना पिन भी इंटर कर लेते हैं। दोस्तों पिन डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों जो हरा वाला जो यहाँ पे जो आपको हरा वाला जो आपको एक बटन दिखाई देता होगा तो हरा वाले इस वाले बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस वाले बटन पे दोस्तों क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं फिर हम चलते हैं अपने इंटरफेस पे और दिखाते हैं कि आखिर हमारा जो बैलेंस है आखिर कितना बैलेंस है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये हमें बैलेंस दिखा दिया है डायरेक्टली, हमें बैलेंस दिखा दिया है तो 481 रुपया बैलेंस हमें ये दिखा दिया है। तो दोस्तों अब हमें क्या काम करना है कि हमें पैसा निकालना है दोस्तों। तो पैसा निकालने के लिए दोस्तों हमें इसी वाले ऑप्शन पे दोस्तों विड्रॉल वाले ऑप्शन पे हमें यहाँ पे दोस्तों विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि प्लीज़ मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा, तो अमाउंट यहाँ पर हम 400 रुपया डाल देते हैं। 400 रुपया डालने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है प्रोसीड इस वाले ऑप्शन प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे मोबाइल में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से लाइट जल चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है इंटर प्लीज़ इंटर द पिन। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों हम अपना पिन डाल देते हैं। दोस्तों पिन डालने के बाद दोस्तों अब दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये इंटर वाला जो बटन है हमें इंटर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अपना इंटर वाला बटन क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा अभी प्रोसेसिंग चल रहा है तो अपना इंटर दाब देते हैं।
जैसे ही हम इंटर वाला बटन दाब देंगे दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और ये दिखा रहा है दोस्तों ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों एटीएम, और ये बोल रहा है दोस्तों कि आप आधार कार्ड मतलब कि व्हाट्सएप पे आप शेयर भी, यहाँ पे आप व्हाट्सएप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप शेयर भी चाहें तो कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, शेयर वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं दोस्तों, और जो ग्राहक हैं दोस्तों उनको आप रिसीविंग भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो 400 रुपया निकाल चुके हैं और जो हमारे बैंक में 81 रुपया बचा हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों स्पाइस मनी एटीएम द्वारा पैसा निकाला जाता है, और दोस्तों इसका जो एटीएम है दोस्तों बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, इसमें कभी भी पैसा फंसने की प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब बताएंगे किसे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे हम आडी इसका दोस्तों हम एटीएम एम एटीएम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा कि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।